भाई एंड बैक विद अनदर वीडियो। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जितना प्यार दिखा रहे हैं। उसके बाद सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लिंक आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए एंड हेल्प मी टू ग्रो। तो भाई आप लोग हैरान हो गए होंगे कि यार एक हफ्ते में दो वीडियोस कैसे। अमूमन मैं एक हफ्ते में एक ही वीडियो डालता हूँ। आज का दिन बनानी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये मैंने आज ही के दिन सोची और आज ही के दिन वीडियो मैंने बनाई और एडिट करके आपके सामने है। भाई आज का दिन है 5 फरवरी और 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया जाता है पाकिस्तान में, और तमाम पाकिस्तानी और तमाम जितने भी होपफुली मुस्लिम्स हैं वो ये मनाते हैं कश्मीर डे। तो आज का जो पूरी वीडियो है वो कश्मीर पे। वीडियो के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले हम कश्मीर के बारे में जानें। तो इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में हम लोग साथ जाते हैं 1947 में, जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान छोड़ा तो पाकिस्तान और इंडिया डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों अलग अलग कंट्रीज़ बन गया। तो वहाँ पे कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि ब्रिटिश ने हमारे दरमियान इंडिया को कुछ दिए, पाकिस्तान को कुछ दिए। कश्मीर का प्रॉब्लम 1947 से चलता आ रहा है और आज 2020 है और अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ है। इंडिया कन्विंस्ड है कि यार कश्मीर उन्हें मिलना चाहिए, पाकिस्तान कन्विंस्ड है कि कश्मीर उन्हें मिलना चाहिए। बीच में पिस गए बेचारे कश्मीरी और बहुत बुरी तरीके से पिसे। तो भाई मेन प्रॉब्लम हम लोग समझ नहीं रहे हैं। असल में हम लोग ये हैं कि 5 फरवरी, ओ माय गॉड, छुट्टी कश्मीर डे की। हम लोग छुट्टी बना तो रहे हैं लेकिन उसके पीछे का मकसद पता है हम लोगों को? जिस हम लोगों को जो छुट्टी मिल रही है ना, उसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों के जनाजे उठ चुके हैं। कश्मीर में बच्चे, औरतें, मर्द, बुजुर्ग, उन लोगों को लिटरली डंडों से मारा जा रहा है बाय द इंडियन आर्मी, बाय द इंडियन पुलिस, एंड नोबडी इज स्टैंडिंग अगेंस्ट इट। कोई इसके खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान जब अपने राइट के लिए खड़ा होता है, यूएन में जाता है, तो यूएन भी इस बात को दबा देता है, फिर कहाँ जाया जाए। तो भाई अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाने वाला हूँ, मैंने बहुत मुश्किल से कलेक्ट की हैं, तो वो पिक्चर्स पहले देखिएगा और फिर हम लोग जो है ना बात करेंगे उन पिक्चर्स से रिलेटेड और थोड़ा सा और टॉपिक एक्सटेंड करेंगे। तो डू वॉच द पिक्चर्स प्लीज। आपने देखी उसमें इंडियन पुलिस जो है वो कश्मीरियों को मार रही है, उनके बुजुर्गों को मार रही है, बच्चे पिट रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, शेल्स मारे जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। कश्मीरियों का सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं और इंडिया को ये बर्दाश्त नहीं। तो भाई अब ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम कश्मीरियों के लिए खड़े हों। अगर वो अपनी जानें दे सकते हैं पाकिस्तान में आने के लिए तो व्हाई नॉट पाकिस्तान ही उनकी हेल्प करें। हम लोग उनकी हेल्प करनी चाहिए। असल में आज फरवरी है, 5 फरवरी है और हम लोग घर में बैठे हैं, छुट्टियां हैं, ऑफिस की छुट्टियां हैं, लेकिन हम लोग उनके प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहे। जिसकी वजह से आज आपको छुट्टी मिली है, अगर हम उन्हीं के लिए नहीं तो ये नाइंसाफी है। वहाँ पे लोग, वहाँ पे इन्फेंट बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, औरतें मर रही हैं इंडियंस के हाथों, हिंदुओं के हाथों, और हम यहाँ पे हाथ धरे बैठे हैं। तो आई थिंक सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ से हम कश्मीरियों के लिए आवाज़ खड़ी कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, कुछ हदूद होते हैं, कुछ यूएन ने पॉलिसीज बनाई हुई हैं, उसके तहत जो भी है गवर्नमेंट को हटा दें, हमारे हम लोग बातें करते हैं। वी लोकल शुड सपोर्ट दें। किस कैसे करें हम लोग, हम गन लेके नहीं पहुँच जाएँ, ये हमारा काम नहीं। इसके लिए हमारी अल्लाह का शुक्र है आर्मी बैठी है, ISI बैठी है हमारी, भाई नंबर वन एजेंसी है सब, मतलब यू नो। हम लोग कैसे कर सकते हैं? सोशल मीडिया के जरिए पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ये बात फैला दें कि इंडियंस जो हैं वो कश्मीरियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। फिर देखिए कैसे कश्मीर जो है आज़ाद नहीं होता और कैसे पाकिस्तान के साथ मिल नहीं जाता। तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं। अगर आप भी कुछ मुझे बताना चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो कि आपका क्या नज़रिया है, मेरी बात से आप एग्री करते हैं या नहीं करते। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बड़े बड़े लोगों तक पहुँचे और उन लोगों तक पहुँचे जिनका कोई पब्लिक में से है, वो अगर इस पर वीडियो बना दें तो बहुत सारे लोग देखें। मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ। तो भाई वीडियो को शेयर करें और कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाएं। जिनकी वजह से आज आपको छुट्टी मिली है, अगर उनके लिए अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई ना तो बहुत नाइंसाफ़ी है और फिर आपको अल्लाह ताला के यहाँ जाके जवाब देना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल और कीप सपोर्टिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीस, बाय। स्पेशल दिन है, हर मुसलमान नहीं जो है बेचारे
क्या कहते हैं उसे,